आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। पहली खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावों में आचार संहिता लगते ही भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी पार्टी के एक और विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया है। शिकोहाबाद से विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने अपनी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। इसी मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर प्राइम टीवी की टीम पहुंची हुई थी, जहां पर खास बातचीत में कहा है कि मुकेश वर्मा ने जो भी बयान दिया, आइए आपको सुनाते हैं। इस्तीफे का दौर जारी है, तो वहीं भाजपा की तरफ से एक विधायक ने और इस्तीफा दे दिया है। तो हमारे साथ डॉक्टर मुकेश हैं। सर, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इस्तीफा देते जा रहे हैं, ऐसा क्या आपकी वजह है? मैं सच बात बताऊं ना, बहुत जल्दी करना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के 23 करोड़ जनता के पैरों में प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि 23 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भरोसा किया था। वो दीदी भरोसा पूरा नहीं हुआ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारी। आप ये देखिए कि जितना अहित 70 वर्ष में नहीं हुआ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जो सपना था कि मैंने संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो बनाया है, प्रदेश और देश के हर छोटे बड़े के लिए इसमें व्यवस्था की है, भारतीय जनता पार्टी उस व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। और ये बाबा नहीं है, बवाल हैं, उसी तरह के बवाल हैं कि एक माता अपने पुत्र को चुप करने के लिए बेवजह निप्पल डाल देती है। निप्पल में कुछ होता तो नहीं है कि होता है? ये यही चाहते हैं कि हम 85% से लोगों के मुंह में निप्पल डाल दें, दूध खुद पी जाएं, निप्पल 85% के लोग चूसते रहे। सर, आरक्षण के लिए की बात हो रही है कि आरक्षण देने की बात कही थी इन्होंने, उसका क्या? केवल बहानेबाजी है, केवल बहानेबाजी, ठगना, ठग हैं, ठग, ठग। कितने विधायक और आ सकते हैं? 100 से ऊपर हैं सर, 100 से ऊपर। आपके पैरों में प्रणाम करके सच बात बताना चाहता हूँ, 100 से ऊपर हैं। और इन्होंने जितना OBC, SC, ST अल्पसंख्यक का आयत किया है, आज तक कभी इतना आयत न हुआ है न होगा, ये बताना चाहता हूँ। तो मेरे साथ थे सिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा की तरफ से उन्हें नज़रअंदाज किया गया, उनके समाज को नज़रअंदाज किया गया है। अब देखना ये होता है कि कितने विधायक और आते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावना की खबर आते ही यहां के मठ मंदिरों के साथ चौक चौराहों पर अब इसी को लेकर चर्चा गर्म है। वहीं साथ ही अयोध्या के विकास की अगली कड़ी के साथ पूर्वांचल के सरहदी जिलों में भी बीजेपी की मजबूती को लेकर भी गठजोड़ हो रही है। इसी कड़ी में रामनगरी के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खुशी में एक दूसरे को लड्डू प्रसाद का वितरण कर खुशियां प्रकट की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम साधु संतों की मांग रही कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़े, जिसको लेकर के हमने कई बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र भी भेजा कि सीएम योगी को अयोध्या से ही चुनाव लड़वाया जाए। यह हम अयोध्या वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और जनता का सहयोग, क्या हिंदू मुसलमानों का भी सहयोग योगी जी के साथ में है, क्योंकि 5 साल जो मुसलमानों की जो जरूरत रही, जिसको मुसलमान चाहते रहे, वही काम नहीं होता रहा, जिसका नाम है दंगा। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश रहा। आज मुसलमान योगी जी की तारीफ कर रहा है तो वोट भी देगा। हम यही चाहते हैं कि योगी जी का सौभाग्य है कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अयोध्या में लोगों के जो है, अयोध्या में जो लोग भी आते हैं, उनका तन भी साफ होता है, मन भी साफ होता है। तो हम ये भी मान रखा हूँ कि अयोध्या से योगी जी जिस दिन चुनाव जो है लड़के जीत के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन जो है उत्तर प्रदेश की जनता, वो चाहे जिस जात की हो, वो खुशहाल रहेगी।
ये मांग रही है साधु संतों की, अयोध्या वासियों की। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि माननीय योगी श्री आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़े। इसको लेकर के हमने कई बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को हमने पत्र भी भेजा कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से इलेक्शन लड़ाया जाए। तो ये हम अयोध्या वासियों के लिए बहुत खुशी है, और योगी जी का पीढ़ियों से अयोध्या से रिश्ता रहा है। उनके गुरु जी ने, श्री अवैधनाथ जी ने तो पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, और योगी जी ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो सबसे अधिक समय अयोध्या के लिए उन्होंने दिया है और अयोध्या के गौरव को प्रतिष्ठित किया है। तो योगी जी यहां से चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या में और खूबसूरती बढ़ेगी। चुनाव के मद्देनजर जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव पहुंचा अतिरिक्त सुरक्षा बल सीआरपीएफ की टुकड़ी और पुलिस ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला है। कस्बे सहित विभिन्न गांवों में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं चुनाव के दौरान नगर में शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से ये मार्च निकाली गई है। आगामी 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल की एक टुकड़ी भी मैनपुरी पहुंची हुई है। आज सुबह 9 बजे से हमने सीआरपीएफ की जो टीम आई है उसके साथ हम लोगों ने एरिया, मतलब एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है। एरिया डोमिनेशन में हम लोग आज नगला वन गांव, अलीपुर पट्टी, अलीपुर जेड़ा और बरहट रकड़ी, उसके बाद भैंसरौली और वहाँ से हुसैनपुर गांव होते हुए हम लोग भोगांव कस्बे में हमने भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान हम लोगों ने पैदल मार्च किया है। सभी जगह पर मतदाताओं से बातचीत की गई है, उन्हें आश्वस्त किया गया, उनमें विश्वास लाया गया कि किसी भी प्रकार की डरने की बात नहीं है, पुलिस फोर्स मौजूद है और निष्फिक्र होकर, निर्भय होकर वो अपना मतदान सुनिश्चित करें। वहीं सहारनपुर में क्राइम ब्रांच और थाना रामपुर मनिहारन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ढाबा मालिक को गोली मारकर हत्या करने वाले को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नवनिर्मित पेट्रोल पंप थाना ननौता क्षेत्रांतर्गत हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिरों के पास से कई सामान बरामद हुए हैं। अभी 8 जनवरी को एक ढाबा संचालक को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी थी, पैर में गोली लगी थी जिससे वो घायल हो गया था। उसमें कुल 4 बदमाश थे उस घटना में शामिल, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ढाबा संचालक की घटना से पहले ही उन्होंने एक चोरी की भी घटना की थी, उसका चोरी का माल भी बरामद हुआ है। इनके तमंचे आदि बरामद हुए हैं। ये अच्छे किस्म के बदमाश, अच्छा मतलब इनका आपराधिक इतिहास है और इनके ये बड़ी तत्परता से इनका इन दोनों घटनाओं का खुलासा हुआ और इनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं सहारनपुर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते जिले में अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का तूफानी दौरा किया है। आपको बता दें कि अस्पताल के अंदर अपर मुख्य सचिव ने कोविड-19 के संक्रमण से बचने के सभी इंतजामों को बारीकी से चेक किया, साथ ही जिला अस्पताल प्रशासन को कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि तीसरी लहर के चलते सभी लोग सतर्क रहे, साथ ही अस्पताल प्रशासन को सभी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कोविड-19 की जो तीसरी लहर है इसके दृष्टिगत अभी सहारनपुर में ज़िला अस्पताल और ज़िला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। ज़िला महिला अस्पताल में पीएम केयर में लगभग 1000 लीटर पर मिनट का पीएसए प्लांट लगा है, उसमें एक जनसेट लगा हुआ है, एक अतिरिक्त 250 केवी के जनसेट की व्यवस्था 48 घंटे के अंदर करने के निर्देश CMS को दिए गए हैं। वहाँ पर जो कोविड वार्ड बनाया गया है उस कोविड वार्ड में अभी कुछ कमियाँ हैं, तो CMS के अनुरोध पे जो वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ चल रहा है उसको मेल हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया जाएगा और वहाँ पर एक कोविड वार्ड फीमेल हॉस्पिटल का पीकू जो 50 बेडेड है उसके नीचे एक अलग से गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड वार्ड अलग से बनाया जाएगा। एक डेडिकेटेड कोविड ऑपरेशन थिएटर भी प्रसूता महिलाएं जिनको सिजेरियन की आवश्यकता होती है उनके लिए 2 दिन के अंदर क्रियाशील किया जाएगा और एक लेबर रूम भी कोविड से जो प्रभावित गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए यहां पर 2 दिन के अंदर क्रियाशील किया जाएगा जिला महिला अस्पताल। वहीं सहारनपुर जनपद में लंबे समय से मोबाइल चोरी और राह चलते लोगों के मोबाइल छीनने की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसमें पुलिस ने तुरंत सख्त रुख अपनाते हुए राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रांच टीम को लगाया था, जिसमें आज
थाना सदर बाजार और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से चोरी किए गए 11 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। थाना सदर बाजार पुलिस और हमारी SOG ने ज्वाइंटली एक बदमाश पकड़ा है मोहम्मद सैफी नाम का, और इसके पास से कुल छीने हुए 11 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इसकी जो मोटरसाइकिल है वो भी, उसका नंबर प्लेट गलत पाया गया, उसकी भी हम तहकीकात कर रहे हैं। इसकी जेब में चाकू भी मिला है और ये लगातार मोबाइल छिनैती की घटना कर रहा था, उसी में पकड़ा गया है। जो 11 मोबाइल बरामद हुए हैं, इनके धारकों का, इनके स्वामियों का पता कर रहे हैं ताकि उनका मोबाइल उनके सुपुर्द किया जा सके। इस प्रकार ये जो लगातार मोबाइल छिनैती घटना हुई थी, इसके पकड़े जाने से इस पर रोकथाम होगा। वही उन्नाव में थाना अजगैन पुलिस, थाना दही पुलिस और स्वाट की सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 8 अंतरजनपदीय गांजा तस्करों को 84 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही थी, 9 मोबाइल फोन, 10,000 से ज्यादा रुपयों के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों के पास से कई गाड़ियां भी बरामद हुई है। वही कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व अनुसूचित जनजाति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य भगवती प्रसाद चौधरी को 395/96 SC से प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांग्रेस की तरफ से 125 प्रत्याशियों की लिस्ट को आज जारी किया गया है मिर्जापुर में, जिसमें से 124 नंबर पर जारी भगवती प्रसाद चौधरी का नाम जारी किया गया है। एक बार फिर प्रत्याशी बनाए जाने पर भगवती प्रसाद चौधरी के घर में जश्न का माहौल है। प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को आभार व धन्यवाद दिया। देखिए, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं। 17 में पार्टी ने गठबंधन के बावजूद भी मुझे टिकट दिया, बहुत कोशिश किया। ये श्रीमती प्रियंका गांधी जी मुझे बहुत चाहती थी कि ये लड़े यहाँ से, गठबंधन में मामला नहीं तय हुआ, हमें वापस लेना पड़ा। फिर मैं काम लगा रहा, पार्टी हमारे निष्ठा को देखते हुए 19 में लोकसभा लड़ाया, तो हम तो पार्टी के प्रति एहसानमंद हैं। अगली खबर यूपी के चंदौली जनपद के जिला अस्पताल से है, जहां पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उर्मिला को फटकार भी लगाई गई है। बाहर से दवाइयां न लिखने की हिदायत भी दी गई। वहीं ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया। साथ ही जिला अस्पताल परिसर के स्थित मान्यता प्राप्त मातृ शिशु हेरिटेज अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया है, जहां पर गंदगी देख हेरिटेज अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक KC सिंह को जल्द ही सफाई करवाने की हिदायत दी गई। सर, कोविड के दृष्टिगत और कोविड में थर्ड जो वेव चल रही है, इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि जो जनपद के नोडल अधिकारी हैं वो अपने अपने जनपदों में जाके विभिन्न पहलुओं पे इसका समीक्षा बैठक करेंगे और संबंधित संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। उसी क्रम में कल मेरे द्वारा यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है उसकी एक बहुत डिटेल रिव्यू मीटिंग की गई। जो अन्य कोविड रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो टेस्टिंग के हो, चाहे हमारे अस्पतालों की तैयारी के संबंध में, उसकी बैठक की गई। और इसी क्रम में आज जो जिला चिकित्सालय है, खासकर मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ, और जो हमारा जो 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, उसका निरीक्षण किया गया, इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया गया। उसमें कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जो साफ सफाई की व्यवस्था के लिए थोड़ा सा और सुधार के लिए बोला गया है, उसमें थोड़ा सी कमी परिलक्षित हो रही है। साथ ही इमरजेंसी वार्ड में भी कुछ कमियाँ परिलक्षित हुई हैं, जिसको संबंधित डॉक्टरों को, अधिकारियों को बोलकर उसको सुधार करने के लिए बोला गया है। वही गाजीपुर में IG वाराणसी परिक्षेत्र की तरफ से पुलिस लाइन अन्य अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव व अपराध के संबंध में मीटिंग की गई। आपको बता दें कि IG की तरफ से सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारी, चुनाव कार्यालय और LIU के अधिकारियों के साथ ये मीटिंग की गई है और संवेदनशील मतदान केंद्रों, बूथों और क्रिटिकल पोलिंग बूथों के बारे में जानकारी ली गई। विभिन्न मतदान केंद्रों पर CPMF और अन्य पुलिस वालों के पर्याप्त तैनाती के लिए निर्देशन भी दिया गया है। पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और चुनाव के समय बॉर्डर सील करने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। आज मैं जनपद गाजीपुर के भ्रमण पर आया हूँ, सभी क्षेत्राधिकारियों के साथ और चुनाव कार्यालय और LIU सबके साथ अभी बैठक कर रहा हूँ, और इसमें सभी से ये जानकारी प्राप्त की गई है। अपना अपना सर्किल में
जो संवेदनशील मतदान केंद्र क्या है और वल्नरेबल क्षेत्र क्या है और अपराधी तत्व जो है ज़्यादा किस किस क्षेत्र में है, उनका गतिविधियों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जानकारी किया है। और इसके बाद मैं मतदान केंद्रों का और जहाँ CPMF रुकने का स्थान है उन स्थानों का मैं भ्रमण करूँगा, तो वहाँ का जो व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी करूँगा। अगली खबर औरैया से है, जहां पर युवक का तमंचे से फायर करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में युवक बेखौफ होकर फायर करता दिखाई दे रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तमंचा सहित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। वही फायर करने वाले युवक की तलाश की गई, जिसके बाद पुलिस को सफलता मिली। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़के द्वारा तमंचा लेकर फायर किया जा रहा था। उस वीडियो की जांच की गई, सत्यता पाए जाने पर संबंधित एक्यूज को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में नालों पर हो रहे अतिक्रमण पर पालिका ने बुलडोजर चलवा दिया है। नालों की साफ सफाई के लिए पालिका की ओर से बुलडोजर चलवाया गया। कार्रवाई को लेकर जानकारी दी गई कि नालों पर पाटे गए स्लैब नालों से ढके होने की वजह से उनकी सफाई नहीं हो पा रही है। नालों की सफाई न होने की वजह से बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या बनी रहती है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।